हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द कंपैरिजन बिटवीन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस। हम बेसिकली पांच मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ले रहे हैं एंड उसके बीच में हम कंपैरिजन देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी फीचर्स से रिलेटेड जितने भी कंपैरिजन्स थे वो ऑलरेडी देख लिए हैं पार्ट वन में। इससे पहले पार्ट वन आ चुका है, दिस इज द पार्ट टू। हम आज बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियरी पावर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है इन कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। सो इनकेस अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले तो जाइए एंड वो पार्ट वन देख के आइए। बस अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बीच में कंपैरिजन देखना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, सो गो एंड चेकआउट दैट वीडियो। मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एंड साथ के साथ मैंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस जितनी भी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो एक बार उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, मे बी आपको जो टॉपिक की ज़रूरत हो वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाए, तो उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू दैट। सो इनकेस अगर आपने पार्ट वन देखा हो तो आपने देखा होगा हमने जो फर्स्ट से लेके एट तक के जो फीचर्स है इसके बेसिस पे कंपैरिजन देखा था बिटवीन चाइना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, इन सब के बीच में हमने जो है कंपैरिजन देखा था। ये सारे एट पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हमने वो कंपैरिजन देखा था। नाउ आज हम आगे डिस्कस करने वाले लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में कि लेजिस्लेटिव पावर्स के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस है बिटवीन दीज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे फर्स्ट बेसिस पॉइंट आता है हमारा, दैट इज यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरलिज्म को फॉलो करता है, कौन सा बाइकैमरलिज्म को फॉलो करता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट पहले हम समझ लेते हैं मतलब क्या होता है यूनिकैमरलिज्म का एंड बाइकैमरलिज्म का। सो यूनिकैमरलिज्म मतलब यूनि मीन्स वन एंड कैमरल मीन्स बेसिकली हाउस। सो यूनिकैमरलिज्म मतलब जहाँ पे लेजिस्लेचर में केवल एक ही हाउस है, दैट इज यूनिकैमरलिज्म। एंड बाइकैमरलिज्म मीन्स बाय मीन्स टू एंड कैमरल मीन्स हाउस। तो जहाँ पे लेजिस्लेचर में टू हाउसेस है दैट इज बाइकैमरलिज्म। सो जैसे कि हम इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो इंडिया में जो है वो बाइकैमरलिज्म है, मतलब लेजिस्लेचर के टू हाउसेस है, वन इज लोकसभा एंड द अदर वन इज राज्यसभा। नाउ यू हैव टू आंसर मी विच वन इज द लोअर हाउस, विच वन इज द अपर हाउस, दैट यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो कॉमेंट नाउ। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो है यूनिकैमरलिज्म है, दैट मीन्स सिंगल हाउस है। वेरेज अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है बाइकैमरलिज्म, दैट मीन्स वहां पर टू हाउसेस है, किसके, लेजिस्लेचर के। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी जो कि लॉज बनाती है। वी कैन से दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, अदर वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशियरी। सो अपन ने बोला लेजिस्लेचर क्या करेगी, लॉज बनाएगी, कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उन कानून को इम्प्लीमेंट करती है, उन लॉज को लागू करती है एंड जुडिशरी उन लॉज के ऊपर चेक रखती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम अभी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड में है बाइकैमरलिज्म, मतलब वहाँ पे टू हाउसेज है, एंड फ्रांस में भी जो है बाइकैमरलिज्म, दैट मीन्स वहाँ भी टू हाउसेज है। वेरेज अगर हम ब्रिटेन की बात करें एंड फ्रांस में भी बाइकैमरलिज्म है, दैट मीन्स टू हाउसेस। वेरेज अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी बाइकैमरलिज्म है एंड यूएसए में भी बाइकैमरलिज्म है। तो बहुत सिंपल था कि इन चारों कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरलिज्म है एक्सेप्ट चाइना। चाइना में जो है यूनिकैमरलिज्म है और बाकियों में जो है बाइकैमरलिज्म है, मतलब वहाँ की लेजिस्लेचर के टू टू हाउसेस है। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट बेसिस देखें, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ वॉट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जैसे लेजिस्लेचर क्या काम करती है, लॉज बनाने का, तो लेजिस्लेशन मतलब भी वही होता है, लॉज बनाने का। और डेलीगेटेड मतलब क्या होता है बेसिकली, कि अपना काम किसी और को डेलीगेट कर देना, किसी और को दे देना। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब वैसे तो लेजिस्लेचर लॉज बनाती है बट बहुत बार क्या होता है इतना सारा काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है, तो लेजिस्लेचर थोड़ी सी लॉ मेकिंग पावर्स एग्जीक्यूटिव को दे देती है, एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है। जब हमने बोला कि जब लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर्स एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर दे तो उसे हम बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना की, तो चाइना में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है बिल्कुल, है ना। एंड अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है।
वेरेस फ्रांस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है बट लिमिटेड है। एंड यहाँ पे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है एंड यूएसए में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट बेसिस आता है दैट इज पार्टी सिस्टम। कहाँ पे कैसा पार्टी सिस्टम है तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो अगर चाइना में बात करें तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है जो कि कौन सी पार्टी है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज ऑल्सो नोन एज CPC, ओके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। और वेरेज अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में कैसा पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक सिंगल पार्टी डोमिनेट नहीं करती है, बहुत सारी पार्टीज है, तो स्विट्जरलैंड में मल्टी पार्टी सिस्टम है। एज वेल एज इंडिया में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। फ्रांस में अगर हम देखें तो फ्रांस में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन में बाय पार्टी सिस्टम है, दो ही पार्टी है एंड वो दो पार्टी कौन सी है उसके नाम मेरे को आपको कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। इन केस अगर आपको नहीं आता है, इन केस आप नहीं ढूंढ पाते हो वो नाम, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको आंसर नहीं मिला, देन आई विल टेल यू द आंसर दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बट ट्राई करना पहले एक बार खुद से ढूंढने की, खुद से जो है आंसर देने की। नाउ अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो हमने बोला ब्रिटेन में है बाय पार्टी सिस्टम कि दो ही पार्टी वहां पे मेन रूल करती है। एंड यूएसए में अगर हम देखें तो यूएसए में भी है बाय पार्टी सिस्टम। अब यूएसए में कौन कौन सी पार्टीज है, तो एक तो है डेमोक्रेटिक पार्टी एंड एक है रिपब्लिकन पार्टी। सो दीज आर दी टू पार्टीज इन यूएसए। सो अभी तक हमने देखा कि पार्टी सिस्टम कहाँ पे कैसा है, हमने देखा कहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, कहाँ पे यूनिकैमरलिज्म है, हमने देखा कहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो ये सब चीज़ हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, इन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ ऑन नेक्स्ट बेसिस विल बी द हाउसेस, कि जो अपन ने बात करी थी ना कहाँ पे यूनिकैमरलिज्म है कहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, तो अपन यही बात कर रहे थे कि कहाँ पे सिंगल हाउस है कहाँ पे जो है टू हाउसेस है, तो इसकी हम बात कर रहे थे। तो अब उन हाउस के नाम भी जान लेते हैं कि कहाँ पे किस हाउस को किस नाम से बुलाया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें चाइना की, तो चाइना में अपन ने देखा था यूनिकैमरलिज्म है, दैट मींस वन हाउस है। तो उस हाउस का नाम क्या है, दैट इज नेशंस पीपल्स कांग्रेस NPC, दैट इज द लेजिस्लेचर ऑफ द चाइना की जो लेजिस्लेचर है दैट इज NPC, नेशन पीपल्स कांग्रेस, दैट इज द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। तो यहाँ पे अपन ने हाउस की बात करी तो यूनिकैमरलिज्म था, सिंगल हाउस था, तो वो कौन सा है, नेशंस पीपल्स कांग्रेस। वेरेस अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में दो हाउसेज है, हमने बोला था बाइकैमरलिज्म है, तो यहाँ पर दो हाउस कौन कौन से, नेशनल काउंसिल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कौन कौन से दो हाउस है, नेशनल काउंसिल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, ये दो हाउसेज है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। फ्रांस में भी हमने बाइकैमरलिज्म बोला था, तो यहाँ पे कौन से दो हाउस है, तो हमने बोला नेशनल असेंबली एंड सीनेट जो है, ये दो हाउस है कहाँ पे, फ्रांस में। ब्रिटेन में हमने बाइकैमरलिज्म बोला था, तो यहाँ पे कौन से दो हाउस है, तो एक है हाउस ऑफ कॉमन्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HOC एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और वी कैन से हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी बाइकैमरलिज्म है, तो वहां पर कौन से दो हाउस है, वन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अदर वन इज सेनेट। तो ये दो हाउस है कहाँ पर, यूएसए में। तो यूनिकैमरलिज्म केवल एक ही कंट्री में था, तो वहां पे एक सिंगल हाउस था, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो वो कौन सी कंट्री थी, चाइना। ठीक है, बाकी सब में बाइकैमरलिज्म था, तो हमने सबके दो दो हाउसेस के नाम पढ़े कि कहाँ पे कौन से दो हाउसेस है, तो वो सब चीजें हमने कवर करी। तो ये सारे बेसिस थे हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स में। अब हम डिस्कस करने वाले अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो अब उसके बेसिस पे हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन चाइना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूएसए एंड ब्रिटेन। ओके, सो अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं किसके बेसिस पे, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बेसिस पे। सो सबसे फर्स्ट बेसिस आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स में, दैट इज अपॉइंटमेंट। सो अब ये अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास होती है, तो अगर हम चाइना में देखें तो ये जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो है हमारी प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अपॉइंटमेंट की पावर वहां पर प्रेसिडेंट के पास होती है। वेरेज अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर भी जो है ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। एंड फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। बट अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ये पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। वेरेज अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी ये जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास।
एक्सेप्ट ब्रिटेन, यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास है? सब जगह प्रेसिडेंट के पास है एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के बेसिस पे हमने जो हमारा फर्स्ट बेसिस था दैट वाज अपॉइंटमेंट की पावर, वो किस किस के पास है वो चीज हमने देखी। नाउ अब हम देखते हैं रियल एंड नॉमिनल पावर्स, कहाँ पे कौन से एग्जीक्यूटिव के पास कैसी पावर है वो चीज। बट रियल एंड नॉमिनल पावर्स का मतलब क्या होता है वो चीज हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनल पावर का मतलब। नॉमिनल पावर्स मतलब नेमसेक पावर्स, मतलब केवल नाम के लिए पावर्स है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर के अंदर तो बहुत सारी पावर्स लिखे दे दी, बट आप उस पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो इन रियल लाइफ, इन डेली लाइफ, ठीक है। वेरस वहीं पे रियल पावर्स का मतलब कि आपके पास पेपर में मे भी बहुत ज़्यादा पावर्स लिखी हुई नहीं होगी, बट आप उसको एक्सरसाइज कर पा रहे हो अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो दैट इज रियल पावर। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक इंडिया में जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास है नॉमिनल पावर्स, मतलब नेम सेक की पावर्स, नाम के लिए पावर्स है, ठीक है। मतलब पेपर में बहुत सारी पावर्स दे रखी बट वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे रियल लाइफ में। एंड रियल पावर्स है हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास जो है इन प्रैक्टिस जो है बहुत सारी पावर्स है, मतलब वो उन पावर्स को एक्सरसाइज कर पा रहे। अगर आपको रियल और नॉमिनल पावर के बीच में डिफरेंस जानना हो तो कभी न्यूज़पेपर उठा के देख लेना। इंडिया में जिसका भी नाम आपको न्यूज़पेपर में ज़्यादा दिखेगा उसके पास है रियल पावर। तो ये तो थी रियल एंड नॉमिनल पावर्स। अब कहाँ पे किसके पास कैसी पावर्स है वो चीज़ हम देखते हैं। तो अगर हम चाइना में बात करें तो जो चाइना के एग्जीक्यूटिव है उनके पास है रियल पावर्स। वेरेज हम अगर स्विट्जरलैंड में बात करें तो वहाँ पर है को इक्वल पावर्स। को इक्वल पावर्स क्यों है वहां पर? बिकॉज वहां पे है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, वहां पे 7 एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है। तो हर एग्जीक्यूटिव के पास इक्वल पावर्स है, वहां पे किसी के भी पास ज्यादा या कम पावर्स नहीं है, सबके पास इक्वल पावर्स है, इस वजह से यहाँ पे आया को इक्वल पावर्स, ओके। नाउ अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो है रियल पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एंड अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर जो है, तो ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहाँ पे मोनार्की के पास तो नॉमिनल पावर्स, मतलब जो किंग या क्वीन है उनके पास तो नॉमिनल पावर्स है, वेरेज जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास रियल पावर्स है ब्रिटेन के अंदर। वेरेज अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो है रियल पावर्स है। वेरेज अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास, वेरेज अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास जो है रियल पावर्स है, ओके। तो ये तो था रियल और नॉमिनल पावर्स के बेसिस पे डिफरेंस। हमने समझा कि क्या होती है रियल पावर्स एंड क्या होती है नॉमिनल पावर्स। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है दैट इज ड्यूअल, सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव। कहाँ पे किस टाइप के एग्जीक्यूटिव है? दो एग्जीक्यूटिव है या एक ही एग्जीक्यूटिव है या फिर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। मैंने जैसे अभी अभी बताया था कि यहाँ पर 7 एग्जीक्यूटिव से, इस वजह से यहाँ पे है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। वेरस अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, मतलब दो एग्जीक्यूटिव से। एंड बिल्कुल वैसे ही ब्रिटेन में भी जो है वहाँ पर है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, जैसे अभी हमने देखा था कि एक है हमारी क्वीन एंड एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर। एंड यूएसए में है सिंगल एग्जीक्यूटिव। अपन देखते हैं यूएसए में केवल प्रेसिडेंट है, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, सो इस वजह से अपन ने बोला कि वहाँ पर है सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो अगर हमने ड्यूअल, सिंगल और प्लूरल की बात करी तो हमारा स्विट्जरलैंड एक एक्सेप्शन है जहाँ पर प्लूरल एग्जीक्यूटिव है 7 एग्जीक्यूटिव से। वेरेज यहाँ पे ब्रिटेन में एंड फ्रांस में हमने देखा यहाँ पे है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव एंड यूएसए में है हमारे सिंगल एग्जीक्यूटिव, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। नाउ टू बी एन एग्जीक्यूटिव आपको कुछ क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप इन क्वालिफिकेशंस पे क्वालिफाई कर जाते हो देन ओनली यू कैन बिकम एन एग्जीक्यूटिव।
सो यहाँ पर उस एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो अगर हम चाइना में बात करें तो चाइना में अगर आपको एग्जीक्यूटिव बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट जिन सिटीजन के पास राइट टू वोट है उनके पास ये राइट भी है कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। सेकेंड, वहां पर जो एज लिमिट है टू बी एन एग्जीक्यूटिव वो है 45 years, कि 45 years का आपको होना जरूरी है तभी आप वहां पे एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। वेरेज अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में जो है आपको स्विट्जरलैंड का सिटीजन होना इज कंपल्सरी। सेकेंड चीज, आपको फेडरल असेंबली के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे फेडरल असेंबली इज द लेजिस्लेचर ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो आपको स्विट्जरलैंड का सिटीजन होना कंपल्सरी है। उसके अलावा आपको फेडरल असेंबली के लिए एलिजिबल होना चाहिए तभी आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हो इन स्विट्जरलैंड। वेरेज अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में एज सच नो क्वालिफिकेशंस, ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। वेरेज ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में भी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हेरिडिटरी है, दैट मीन्स जो क्वीन बनती है वो हेरिडिटरी बेसिस पे बन रही है। तो इस वजह से हेरिडिटरी मतलब होता है कि अगर क्वीन है तो क्वीन की बेटी क्वीन बनेगी, वापस जो है उनकी बेटी क्वीन बनेगी, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी, कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस पोजिशन को संभालेगी। तो दे आर एज सच नो क्वालिफिकेशंस इन ब्रिटेन एज वेल। वेरेज अगर हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए में अगर आपको एग्जीक्यूटिव बनना है तो यू हैव टू बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएस, आप वहीं पे पैदा हुए हुए होने चाहिए हो। उसके अलावा 35 इयर्स की एज लिमिट है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आपको एटलीस्ट 14 इयर्स के लिए यूएस का रेजिडेंट होना इज कंपल्सरी, कि आप यूएस में रह रहे हो 14 इयर्स तक, तो आप जो है एग्जीक्यूटिव बन सकते हो।